वेलकम टू ऑल, आई एम डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंजाई अगेरिकस। अगेरिकस फंजाई जो है वो ऑर्डर अगेरिकेल्स का मेंबर है। इस ऑर्डर में लगभग 197 जेनरा और 400 स्पीशीज़ हैं, और इस ऑर्डर की जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, मृत जीवी हैं, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर वृद्धि करती हैं। अगेरिकस में आने वाले जो फंजाई हैं, इसमें प्राइमरी माइसिलियम बहुत कम समय के लिए होता है, जबकि जो सेकेंडरी माइसिलियम या डाइकेरोटिक माइसिलियम होता है वो लंबे समय तक लाइफ साइकिल में पाया जाता है। टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ अगेरिकस। अगेरिकस का किंगडम है फंजाई, डिवीज़न एमेस्टिगोमाइकोटिना, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर अगेरिकेस, फैमिली अगेरिकेसी, जीनस अगेरिकस, स्पीशीज अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। अगेरिकस का जो माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम, वो बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है, और ये प्राइमरी माइसीलियम यानी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कुछ समय के लिए ही लाइफ साइकिल में पाया जाता है। ये माइसीलियम हैप्लॉइड होता है और इसमें प्लस या माइनस स्ट्रेन दोनों में से एक स्ट्रेन के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कवक तंतु जो होते हैं इस माइसीलियम के वो सेपरेट होते हैं, और इस माइसिलियम की कोशिकाओं में ऑयल ग्लोब्यूल्स, वैक्यूल्स और एक केंद्रक अवस्था पाई जाती है। प्राइमरी माइसिलियम के हाइफा के फ्यूज़न से जल्द ही डाइकैरियोटिक माइसिलियम या द्विकेंद्रक की कवक जाल बन जाता है क्लैम कनेक्शंस के द्वारा। इस माइसिलियम की प्रत्येक कोशिकाओं में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, यानी प्रत्येक सेल में, माइसिलियम की प्रत्येक सेल में दो केंद्रक होंगे, प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन के। और सेकेंडरी माइसिलियम के जो हाइफा होंगे वो लॉन्ग होंगे, ब्रांच्ड होंगे एंड शॉर्ट सेल्ड होंगे। अगेरिकस का जो हैबिटेट है ये ज़्यादातर मेड्यू मशरूम कहलाते हैं, और ये वेल मैन्योर ग्रासी एरियाज इनमें पाए जाते हैं। अगेरिकस की दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, अगेरिकस कंपेस्ट्रिस एंड अगेरिकस बाइस्पोरस। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी दो खाए जाने वाली कवकों के नाम लिखो, तो उसमें आंसर विल बी अगेरिकस कंपेस्ट्रिस एंड अगेरिकस बाइस्पोरस। अगेरिकस कंपेस्ट्रिस जो है ये सबसे कॉमन है और खाद्य फंजाई है, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करती है। अगेरिकस की जो प्लांट बॉडी होती है वो दो भागों में बटी होती है, फर्स्ट स्टाइप STIP स्टाइप, एंड सेकंड पाइलियस या छत्रक, यानी व्रंत या छत्रक या स्टाइप या पाइलियस, दो भागों में बटी होती है। अगेरिकस का जो माइसीलियम है उसको तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होगा वो एक केंद्र की यानी मोनोकैरियोटिक होगा, अल्प समय के लिए होगा, और ये बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनेगा। इसके कवक तंतु जो हैं सेपरेट होंगे और हाइलाइन होंगे, यानी पटयुक्त होंगे तथा काचाब होंगे। कोशिकाएं जो होंगी उनमें ऑयल ग्लोब्यूल्स, वैक्यूल्स व प्रोटोप्लास्ट पाया जाएगा। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो द्विकेंद्रकीय होता है, और ये जो है दो डिफरेंट मोनोकैरियोटिक फंगल हाइफी के सोमेटोगेमी या युग्मन से बनता है। इसके जो फंगल हाइफी होंगे सेकेंडरी माइसीलियम के वो लंबे शाखित पटयुक्त होंगे, और इनमें विशेष प्रकार के सेप्टा यानी डॉलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम अगेरिकस में काफ़ी एबंडेंट यानी अत्यधिक पाया जाता है, और ये मशरूम का निर्माण करता है। बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाने वाले सेप्टा कहलाते हैं डॉलीपोर सेप्टा,
और अगेरिकस में भी डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। डॉलीपोर सेप्टा वो सेप्टा होता है जो दोहरी झिल्ली से बना हो और इसके चारों जो संरचना है फूली हुई वो कहलाती है पेरेंथोसोम। तीसरे प्रकार का जो माइसीलियम है वो टर्शरी माइसीलियम है अगेरिकस में, और ये माइसीलियम जो है वो बेसिडियोकार्प जिसे कि फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं उसका निर्माण करता है, और इस बेसिडियोकार्प में ही बेसिडिया का निर्माण होता है। और इसके जो माइसीलियम हैं वो छोटे थिक और वुडी मास का निर्माण करते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अगेरिकस। अगेरिकस में जननांग या सेक्स ऑर्गन्स का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए इसमें दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन के जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो सेक्स ऑर्गन्स के रूप में कार्य करते हैं, और ये जो स्ट्रेन होता है प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन अवस्थाएं हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी अवस्था जो है इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो प्राइमरी मोनोकैरियोटिक हाइवी हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, इनके स्पर्श बिंदुओं पर जो भित्तियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी जिससे डाइकैरियन का निर्माण होगा, फिर इस डाइकैरियोटिक सेल में बार बार डिवीजन्स होंगे जिससे डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा, और डाइकैरियोटिक हाइफा की प्रत्येक सेल में दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स के न्यूक्लियस पाए जाएंगे। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है बहुवर्षीय होगा और ये भूमिगत होता है यानी भूमि के अंदर पाया जाता है, और यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। नेक्स्ट जो अवस्था आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो कहलाती है कैरियोगैमी। इसमें क्या होगा, जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की जो प्रत्येक सेल है जिसमें डाइकैरियन होते हैं वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे जिससे बनेगा बेसिडियम। फिर बेसिडियम में कैरियोगैमी के बाद तुरंत बाद होगा मियोसिस जिससे बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। और इन बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है बेसिडियोकार्प में। उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी किस तरह से बनती हैं। तो जब फंजाई को सेकेंडरी माइसीलियम जब ग्रो कर रहा है भूमि में तो पर्याप्त भोज्य पदार्थ मिलने पर ये डिवाइड होकर बेसिडियोकार्प बनाता है। सर्वप्रथम बेसिडियोकार्प के निर्माण में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है बटन स्टेज। इस अवस्था में जो कवक तंतुओं के शीर्ष हैं उन पर छोटी गांठनुमा संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं बटन स्टेज। उसके बाद फिर इस बटन स्टेज से ही वेल डेवलप बेसिडियोकार्प बनता है जो कि स्टाइप और पाइलियस में डिवाइड रहता है। स्टाइप और पाइलियस का जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं गिल चैम्बर। ये गिल चैम्बर इसलिए बनता है क्योंकि जो वेल डेवलप फंगल हाइफी हैं वो एक दूसरे से हट जाते हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है। तो जो बेसिडियोकार्प है उसका जो फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमने पढ़ा पाइलियस एंड स्टाइप। पाइलियस जो है वो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, अपर पोर्शन है, सर्कुलर है और फैला हुआ है, और यंग स्टेज में ये बटन स्टेज में पाया जाता है जैसे कि हमने भी पढ़ा। स्टाइप जो है वो फ्लैशी होगा, पिंकिश वाइट होगा और स्टॉक या व्रंथनुमा संरचना होगा। बेसिडियोकार्प का निर्माण किस तरह से होता है, तो बेसिडियोकार्प में सबसे पहली जो अवस्था आएगी वो आएगी बटन स्टेज। फिर बटन स्टेज अवस्था जो है साइज में वृद्धि करेगी जिससे बनेगा वेल डेवलप बेसिडियोकार्प, और फिर ये जो बेसिडियोकार्प है ये स्पष्ट दो भागों में बढ़ जाएगा, पाइलियस एंड स्टाइप। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प की आंतरिक संरचना में मेनली तीन पार्ट पाए जाते हैं, स्टाइप, पाइलियस एंड गिल्स। अगर हम बेसिडियोकार्प बनता किससे है, कई सारे फंगल हाइफी के अंतर्ग्रथित होने पर या
इंटरवोवन होने पर। और बेसिडियो कार्प जो है वो स्यूडो पेरेंकाइमेटस टिश्यू से मिलके बना होता है। इस टाइप में जो सेंट्रल हाइफी होता है वो पार्ट कहलाता है मेडुला और आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि बेसिडियो कार्प की आंतरिक संरचना में स्टाइप, पाइलियस और तीसरा पार्ट क्या होता है, गिल्स। तो जो गिल होते हैं वो सबसे जटिल संरचना है। इसी क्षेत्र में जो फंगल हाइफी हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। तो इस गिल वाले पार्ट में ही हमें तीन स्पष्ट पार्ट दिखाई देते हैं जिन्हें कहते हैं, जो है ड्रामा, सब हाइमीनियम एंड हाइमीनियम। ड्रामा जो है ये कई सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है और इसकी कोशिकाएं जो है पाइलियस तक फैली रहती हैं। सब हाइमीनियम जो है ड्रामा और हाइमीनियम के बीच का पार्ट है और इसमें जो हाइफी होते हैं वो ड्रामा के राइट एंगल पे अरेंज होते हैं और इसमें जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक व बाइन्यूक्लिएट होती हैं। तीसरा जो पार्ट है गिल का वो है हाइमीनियम पार्ट। यह गिल की सबसे बाहरी व फर्टाइल लेयर है और इसकी कोशिकाएं ही कॉम्पैक्टली अरेंज होकर बनाती हैं बेसिडियम या बेसिडिया। कुछ कोशिकाएं स्टराइल होती हैं जो बनाती हैं पैराफाइसिस। इसके अलावा कुछ लंबवत कोशिकाएं होती हैं जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहती हैं और कहलाती हैं साइटिडिया। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। सबसे पहले जो हाइमीनियम लेयर है उस पर उत्पन्न होने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं बेसिडिया। बेसिडियम में यंग स्टेज में जो डाइकेरियन होता है वो कुछ समय बाद फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद इसमें मियोटिक डिविजन्स होंगे जिससे चार न्यूक्लियस बनेंगे। इन चार न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियस प्लस स्ट्रेन के होंगे, दो माइनस स्ट्रेन के होंगे। इस अवस्था तक बेसिडिया मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर अवस्था में बेसिडिया के डिस्टल एंड से चार स्टिगमेटा या प्रांगुल निकलेंगे और प्रत्येक स्टिगमेटा या प्रांगुल के शीर्ष पर एक मोतीनुमा संरचना बनेगी जिसे कहते हैं बेसिडियोस्पोर की प्रारंभिक कोशिका। फिर इससे मैच्योर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो नॉर्मली एक बेसिडियम से चार बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स के मैच्योर होने पर स्टिगमेटा के शीर्ष पर एक लिक्विड की बूंद सिक्रेट होगी। ये बूंद जो है एक सीमाकारी झिल्ली या लिमिटिंग मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। बेसिडियो बीजाणु इस बूंद के जस्ट ऊपर ही होता है। धीरे धीरे क्या होगा, इस बूंद के साइज में वृद्धि होगी और अंत में ये फट जाएगी और बूंद के फटते ही जो स्पोर है वो स्टिगमेटा से मुक्त हो जाएगा। नॉर्मली एक बेसिडियम के चारों जो स्पोर्स हैं वो एक साथ डिस्पर्स नहीं होते, एक साथ नहीं फैलते, एक के बाद एक फैलते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स किसी उपयुक्त स्थान पर गिरते हैं और फिर अनुकूल अवस्था आने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के समय बेसिडियोस्पोर्स से एक जर्म ट्यूब निकलेगी यानी जनन नलिका निकलेगी। इस जनन नलिका की वृद्धि से शाखित और सेप्टेट प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा जो कि एक केंद्र की होगा। इस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या माइनस स्ट्रेन का होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अगेरिकस में जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो अल्प समय के लिए रहता है और कुछ समय बाद ही ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बदल जाता है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अगेरिकस। अगेरिकस में जैसा कि हमने पढ़ा कि दो तरह के माइसीलियम पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम।
प्राइमरी माइसीलियम जो होगा उसके प्रत्येक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, जिसे हम एक केंद्र, इसी कारण इसको हम एक केंद्र की माइसीलियम भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी माइसीलियम होगा उसमें प्रत्येक सेल में दो केंद्रक होंगे, जिसमें से एक प्लस स्ट्रेन का होगा एक माइनस स्ट्रेन का होगा। अब ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये आपस में अंतर्ग्रथित होकर राइजोमॉर्फ नुमा संरचना बनाते हैं जो कि रस्सीनुमा स्ट्रक्चर होती है। फिर इस राइजोमॉर्फ स्ट्रक्चर से ही बेसिडियोकार बनता है। बेसिडियोकार बनने की पहली अवस्था कहलाती है बटन स्टेज, जिसमें जो फंगल हाइफी हैं वो आपस में गुथ कर एक बटन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं बटन स्टेज। धीरे धीरे बटन स्टेज से मैच्योर बेसिडियोकार्प स्टेज दिखाई देती है, जो कि कैप, गिल, स्टाइप या पाइलियस, गिल या स्टाइप में भी डिवाइड होती है। गिल की जो हाइमीनियम लेयर है उससे क्या बनेंगे, बेसिडियम। बेसिडियम से फिर चार उंगली नुमा संरचना निकलती हैं जिसे क्या कहेंगे, स्टेरिग्मेटा। और इस स्टेरिग्मेटा से चार बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होंगे। प्रत्येक बेसिडियम के अंदर डायकैरियन होगा, फिर इनके बीच फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न होने के बाद जो है ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद जो बेसिडियम से जो स्टेरिग्मेटा निकलते हैं और इनसे जो बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉयड होंगे, जिनमें या तो प्लस स्ट्रेन का होगा न्यूक्लियस या माइनस स्ट्रेन का होगा। अब यही जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होके वापस से प्राइमरी माइसीलियम बनाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अगैरिकस। थैंक यू।